जिला मंडी का नेशनल हाईवे 21 अब लोगों की जान लेने पर उतर आया है। जब से फोर लाइन बनने का निर्माण कार्य चला है तब से लेकर आज तक भवाना से लेकर पुंग तक कई हादसे पेश आ चुके हैं, जिससे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोग घायल हुए। नेशनल हाईवे 21 पर फिर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 21 पर हराबाग के समीप एक दिल्ली नंबर बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिस बाइक पर सवार तिलक राज उम्र 20 साल पुत्र रूपलाल पधर की मौके पर मौत हो गई और सतीश कुमार उम्र 24 साल पुत्र शिव सिंह निवासी पधर बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जनरल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सुंदरनगर थाना प्रभारी गुरवचन सिंह ने बताया कि गलत दिशा पर बाइक चलाने पर बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी हादसे पेश आ रहे हैं वही सभी वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से पेश आ रहे हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी मत दें और सतर्क रहें। रात करीब 12 बजे के इन्फॉर्मेशन आई कि अरबा के पास एक्सीडेंट हुआ। जब वहां जाके वेरीफाई किया तो एक बुलेट जिसके ऊपर दो सवार थे, जिसे चला रहा था तिलकराज सन्ना रूपलाल पद्धर का, जिसकी उम्र 20 साल थी, और उसके पीछे सतीश कुमार सन्ना शिव कुमार उम्र 24 साल बैठा हुआ था। ये लोग बस सतीश कुमार ने चंडीगढ़ के लिए बस लेनी थी तो यहाँ से ललित चौक से बस निकल चुकी थी, बस का पीछा करते हुए जा रहे थे। आगे उन्होंने अपनी लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन की तरफ को क्रॉस किया कि आगे जाकर बस को क्रॉस करके जो सवारी को बैठाए, लेकिन लापरवाही करते हुए आगे से जो गाड़ी टेम्पो ड्राइवर एक टूरिस्ट की गाड़ी आ रही थी उसके साथ जो है सीधी टक्कर मार दी और तिलकराज जो मौके पर ही स्वर्गवास हो गया तथा सतीश कुमार जो घायल हुआ जिसे सुंदरनगर अस्पताल से रेफर मंडी कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि जितने भी ये एक्सीडेंट हो रहे हैं ये आदमी की 99% जो है अपनी लापरवाही के कारण जो है घटित हो रहे हैं। तो मेरा सभी स्थानीय लोगों से या अभिभावकों से ये अनुरोध है कि जिनके पास भी टू व्हीलर घर में अपने बच्चों को दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें कि रोड का जो अनुशासन है उसको मेंटेन करते हुए ही करें। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको सुरक्षित रखना हर व्यक्ति का दायित्व और कर्तव्य है।